कि मेरे सक्सेसफुल होने के पीछे एक और कारण ये था कि जो जॉब था ना मुझे, वो डेली मुझे वो जॉब बड़ा डराता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने मेहनत नहीं किया ना, घर में जाके रात में नहीं पढ़ा, तो मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसी ही बितानी पड़ेगी। और वो चीज़ जो था, जो आप पे फेलियर का मोहर है, वो सब चेंज हो जाता है। और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद जीवन बदलता है, मैंने देखा है। किया है कि मुझे क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को, तो कमिटमेंट के सामने सारा चीज़ सेकेंडरी है। सारा चीज़ लाइफ में सब कुछ घूम के दोबारा आता है। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि मेरे लाइफ में भी सब कुछ घूम के दोबारा आया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो आज बेसिकली हम लोग तीन चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि इसमें जैसा कि हमारा कमिटमेंट है कि बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट किया जाएगा, इस कोर्स को, जिसको उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं कि सभी लोग उसी लेवल पे हैं। जो लोग थोड़े आगे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, तो हम लोग उस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, शून्य है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है। इसमें हम लोग तीन एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, सबसे पहले UPSC, BPSC और UPPCS। तो जिसका कॉमन जो सिलेबस है वो आपको कराया जाएगा कि आप तीनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है, जो BPSC में जो एज लिमिट है जनरल के लिए, वो है आपको, ये मैं जनरल कैंडिडेट के लिख रहा हूँ, 37 है। और UPPCS में ये एज लिमिट 40 है जनरल कैंडिडेट के लिए, और सबसे ऊपर UPSC में ये 32 है। ये है आपको जनरल कैंडिडेट के लिए। इसी हिसाब से रिजर्वेशन का आगे बढ़ता रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपकी प्रिपरेशन इतनी करा दी जाए कि आप UPSC का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, BPSC का भी और UPPCS का भी। तो सौरभ जी, ये देखिए, इंग्लिश मीडियम में फैकल्टी अलग है। ये यहाँ पे हम लोग वैसा बाइलिंगुअल क्लास नहीं करा रहे हैं कि जो कॉमन टीचर आएगा वही हिंदी भी बोलेगा, वही इंग्लिश बोलेगा। इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी अलग से किया गया है, और वो कुछ फैकल्टी ऐसी हैं जो दिल्ली से आ रही हैं इसको क्लास को लेने के लिए। तो इसी कारण से थोड़ा बहुत जो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है, आप सबने ट्रस्ट करके हम पे ट्रस्ट किया है, तो मैं इतना कमिटमेंट जरूर कर रहा हूँ कि जितना आपको बोला जा रहा है आप उतना कर लीजिए, उतना हमारे साथ आप रहिए। आपका सिलेक्शन के लिए मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि आपका लेवल वो पहुँच जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। तो आपको बिल्कुल जो आपको इसमें देखिए, जैसे ये हमने एक बैच अभी 69th का किया है, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े थे जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो उनसे भी हमारा जो फीडबैक है कि आपको इसमें डेली क्लास होगा, क्लास के बाद एक होमवर्क दिया जाएगा जैसे स्कूल में दिया जाता है, आपको वो होमवर्क करना है, अगले क्लास में उस होमवर्क को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको इससे एक फ़ायदा होगा कि आप रात भर दिन भर उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि सवाल को कैसे करना है। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा, डेली उसके हर तीन दिन पे एक टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होगा, सबका डिस्कशन होगा। और हमारा टारगेट है कि 4 महीने में हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग रिवीजन कराएंगे, और उसके बाद जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं उस विषय से, एक एक छोटे छोटे टॉपिक से, वो आपको कवर कराया जाएगा। आपको इतनी पारंगत हो जाएगी कि आपके सामने ऐसा नहीं लगे, अगर आपने ऑनेस्टली हमारे कोर्स के साथ जो जो हम लोग कराते जा रहे हैं करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया। ठीक है, 5-10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कि कोई नहीं कर पाता, उनको छोड़ के, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन है वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरा हो गया कि मेंस के लिए आपको हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे अभी से आंसर राइटिंग की क्लास चलेगी। ये आने वाले जो वीक है यहीं से, इसी में शुरू हो जाएगा, और आपको अभी से आंसर राइटिंग किया जाएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं और जो भी कोचिंग में जाते हैं, गलती ये होता है कि वो लोग मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आपका सिर्फ PT निकालना, देखिए इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होता है, एक होता है आपको PT, एक होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में ही लिखूंगा, और मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले PT होता है। PT में आपको UPSC में आते हैं 100 क्वेश्चन, BPSC में 150 और UPPCS में 150 क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कट ऑफ क्या होता है। अगर इस बार सीटें हैं 100, ठीक है, और बच्चे बैठे यहाँ पर समझ लीजिए 1000, तो जो पहले बच्चा है और जो 100वां बच्चा है, जिस 100 बच्चा का अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है,
सौवा पहला जो सौवा बच्चा है उसके नंबर है फॉर एग्जाम्पल 68, ठीक है, और जो एक सौवा एक बच्चा है इसके नंबर है 67, तो कट ऑफ क्या होगा 68। तो कट ऑफ कोई भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग कट ऑफ एक दिमाग में, तो आप समझ गए कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और कट ऑफ वही लोग चक्कर में रहते हैं ना जो कमजोर हैं, जो अपने आप को कमजोर बना के चलते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए जीवन हमें एक बार मिला है, अगर आपका ड्रीम है कि हम मुझे इस सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करना है तो अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, जितनी एनर्जी है आपके पास लगा दीजिए और देखिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा। क्यों आप कमजोर बन के आसान रास्ता चुनना चाहते हैं? ये 9 महीने जो है, अगला जो 9 मंथ्स है, ये 9 मंथ्स आप हर चीज़ को छोड़ दीजिए, हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर दीजिए, सिर्फ इस तैयारी में लगाइए। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी एक ट्रस्टेड रास्ता है, जो एक कि क्या इसमें गलतियाँ होती हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो लोग, मैं किसी भी कोचिंग या किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, सभी कोचिंग मेहनत करते हैं, सभी टीचर मेहनत करते हैं, तो यहाँ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस किया जाएगा वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने पे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो हुआ था ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के कारण नहीं हुआ था। मैं अपनी कहानी बताता हूँ जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, कि जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मेरे एक सीनियर ने गाइड किया था कि तुम मैक्सिमम ये 70-30 का रूल फॉलो करो, 70 प्रैक्टिस करो और 30 पढ़ो। मतलब तुमने अगर आज 1-3 घंटे पढ़ा है तो 7 घंटे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अक्सर हम गलती यही करते हैं। आप में से बहुत सब लोग ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, अभी तक जितने भी ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई किया होगा, सिर्फ हम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं 95% पढ़ाई करते हैं और 5% प्रैक्टिस करते हैं। यही अंतर है हम में और सेलेक्टेड लड़के में। जो लोग सिलेक्शन जिनका होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उल्टा करने की कोशिश करते हैं। आप 5% पढ़िए, 95% प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको 2 बार प्रैक्टिस कर जाइए, आप इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक हमारी यही खासियत है कि आपसे हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इस पर हमारा टारगेट है 69th बैच के लिए जो चल रहा है बैच, उसमें से अगर किसी से इंटरेक्शन आपका होगा तो बताएंगे कि कितना प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इस पर हमारा टारगेट है कि हम आपसे 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा था कि 10,000 घंटे या 10,000 बार किसी आप काम को कर लेते हैं तो आप टॉप 1% पहुंच जाते हैं। तो हमारा इस बार टारगेट है कि हम आपसे 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आपको बस ये कमिटमेंट करना है कि आप हमारे पे प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि 4 दिन के बाद क्या होगा, कि अभी तो देखिए जितने लोग आप लोग ज्वाइन किए हैं उसमें से ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आता है। इस तैयारी की सबसे खराब बात यही है कि आप जो ये 9 महीने में बता रहा हूँ, इस 9 महीने में आप 15 दिन के बाद एक फेज आएगा कि आपको लगेगा कि ये क्यों मैं तैयारी कर रहा हूँ, बेकार है तैयारी करना, मेरा थोड़ी होगा, मैं इतना वीक हूँ, ये हूँ, वो, बहुत अंदर से मुझे भी आता था। और ये 100% बच्चों को आता है ये फीलिंग, जो फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, और उससे अपने आप को आप कैसे बाहर निकालते हैं वो ही एक सक्सेस का राज है। कंसिस्टेंसी जो बोला जाता है इस तैयारी में, एक है हार्डवर्क, वो करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट या कोई भी च्यवनप्राश नहीं है जिसको खा के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई स्मार्ट वर्क वो सब है कि आज के डेट में वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है कि हमें सर स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना है वो स्मार्टली करना है, लेकिन हार्ड वर्क करना है, अपने आप को घिसना है, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप जो सिली मिस्टेक करते हैं वो बंद होगा आपका। नहीं तो आप एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है हमारे साथ कि हम सिली मिस्टेक करके आते हैं। सिली मिस्टेक क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, और हमेशा ये 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन में हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक का मतलब आता हुआ सवाल छोड़ के आ गए। वो कैसे खत्म होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सर क्यों नहीं होगा, जब आप इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि यार मैंने इतना प्रैक्टिस किया, मेरा नहीं होगा तो किसको होगा, ये कॉन्फिडेंस होता है। वो कब आएगा, जब आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। दूसरा चीज है हार्डवर्क के बाद कंसिस्टेंसी। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बताया मेरा मीडियम इंग्लिश है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि ये अगला जो 10 महीने का कोर्स है उसमें 9 महीने जो है आप हमारे साथ
डेली आप पढ़ेंगे, कोई क्लास नहीं मिस करेंगे। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी अगर आपने ले लिया तो वही आपका है कि आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दिया। रक्षाबंधन हर साल आएगा, अगले साल भी आएगा। तो अगर आपने इस साल उस चीज़ को छोड़ा तो आपके मन में रहा है कि मैंने अपने सिस्टर के लिए, अपने भाई के लिए, ब्रदर के लिए अपना ये चीज़ सेक्रीफाइस किया है, वैसे वैसे छठ आएगा, दिवाली आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, उसमें अगर आपने ये छोड़ दिया और घूमने चले गए तो आप समझ लीजिए आपका उसी दिन आप पीछे हो गए। ये रेस है, सब लोग दौड़ रहे हैं, आज सब लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी हो जाएगी आपके साथ, जो आप शुरू शुरू में आगे चलिएगा, फिर खरगोश इतना होगा, आपने दशहरे की छुट्टी ले ली, दिवाली की छुट्टी ले ली, छठ की छुट्टी ले ली, और जो कछुआ है वो धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। तो ये चीज़ आज आप कमिट कीजिए कि आप अगले 9 महीने बिल्कुल हर चीज़ को सेक्रीफाइस करेंगे। हर चीज़ एक कीमत मांगता है, इसमें कीमत ये है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। अगर आपने इस कंसिस्टेंसी को नहीं किया तो आप आज ही वो विड्रॉ कर लीजिए। हमें यहाँ पे भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हमारे साथ मेहनत कर सकें। ये मेरा एम है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया कि कोई भी गाइडेंस नहीं मिलता है। जब हम घर में हैं, या मैं बैंगलोर में था, मुझे कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था, और जो भी क्लासेस थी इतनी कॉस्टली थी कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरा ये एम है कि मैं आप में जो पोटेंशियल है, जिसमें जितने लोगों में उस पोटेंशियल, जो आपकी ड्रीम है, आपको उस चीज़ वहाँ तक पहुँचाऊँ। और जो टीचर्स हैं, वो सारे टीचर्स ऐसे टीचर हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना मुश्किल था, मतलब इम्पॉसिबल था लाना। वो मेरे रिक्वेस्ट के कारण वो सब लोग आए हैं, और आप जब उनसे पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना वो अच्छी तरीके से, कितना आसान तरीके से करते हैं। तो हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ उतना कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो इसी वीक मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए। अभी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, दोनों की फैकल्टीज़ अलग अलग हैं। मैं फैकल्टी का नाम भी आपको ऐसे शेड्यूल तो मिल ही गया होगा, मैं आपको फैकल्टी का डिटेल्स बता देता हूँ कि ज्योग्राफी जो है वो आपको इंग्लिश मीडियम में SP सुमन सर लेंगे, और हिंदी मीडियम के लिए आपको हर्षवर्धन सर लेंगे। तो ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के बाद आपको डेली अभी से ही आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो टेस्ट होगा, जो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, उसमें भी आपको जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड सभी चीज़ को कवर किया जाएगा। PT का आपको आइडिया लग गया कि PT में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं BPSC के लिए, और UPPCS के लिए भी 150 क्वेश्चन, और UPSC के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, BPSC और UPPCS, ठीक। अब क्वेश्चन का हम लोग अगर ब्रेकेज देख लेते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। और देखिए, एक एक्सपीरियंस ये है, आपको पढ़ाया सब कुछ जाएगा, लेकिन आपको जो इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ना भी ज़रूरी होता है। मैं क्वेश्चन लूँगा गौरव जी, क्या ना करें जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। मैं श्योरली आज के जो हमारा जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें बताऊँगा। मैंने भी BPSC अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको बताऊँगा कि उसका कैसे करता हूँ। जैसे मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, प्रैक्टिस करना होगा गौरव जी। ये जो शब्द है प्रैक्टिस, इसको आप अपने दीवार पे लिख के चिपका लीजिए कि अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, 10,000 क्वेश्चन जो हमारा टारगेट है, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने, आपका सिलेक्शन PT में जरूर हो जाएगा। मेंस के लिए क्या है, मेंस के लिए भी आपको आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, और हम लोग आंसर राइटिंग पे अभी से ही फोकस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका एम सिर्फ PT निकालना नहीं रहना चाहिए। मोस्टली बच्चों का एम होता है कि सिर्फ PT निकाल लिए, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। PT निकालने से आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, आप पे वो फेलियर का मोहर लगा ही रहेगा अगर आपने मेंस नहीं निकाला। हिस्ट्री या ज्योग्राफी लीजिएगा, मैं बताता हूँ क्यों। BPSC में मेंस में ऑप्शनल जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वहाँ पे, और उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं आपको। उसमें से 100 में से 40 नंबर लाना है, 100 में से 40 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। कैसे आसानी से आएंगे, अगर आपने जो हिस्ट्री पढ़ा है, PT के लिए जो हिस्ट्री पढ़ा है, मेंस के लिए जो हिस्ट्री पढ़ा है, उससे आसानी से कवर हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो हिस्ट्री में आपको 4 पार्ट हैं मेंस के लिए, और 3 पार्ट हैं आपको, ये 3 पार्ट हैं मेंस के लिए, जैसे मॉडर्न है, ठीक है, एंशियंट, मिडिवल है और एंशियंट है, ठीक है। ये 3 पार्ट आपको पढ़ना ही है PT मेंस के लिए, ठीक है। अब ऑप्शनल के लिए इसमें एक जुड़ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री।
वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ऑप्शनल के लिए अलग से पढ़ना है, तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, आपका हिस्ट्री का सिलेबस ऑप्शनल के लिए तैयार हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको भी छोड़ दिया, ठीक है, इससे अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑप्शनल में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आएंगे आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। तो अगर 80 क्वेश्चन, 80 में से आप 40 आराम से लेते आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपके सामने आंसर लिखा रहेगा। तो मेरा अगर मानना है, अगर आपका इंग्लिश में अच्छी मास्टरी है, मैं आपको अपना इसके बाद टेलीग्राम का नंबर दूंगा कि आप एक बार मुझसे पर्सनली एक एक ऑप्शनल को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। और जो बच्चे अच्छे होंगे, जैसे 69th में भी जो बच्चे अच्छे हैं, मैं उनसे अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करूंगा कि आप मुझसे पर्सनली कर। लेकिन जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जितनी भीड़ आती है उसमें से 40% लोग होते हैं वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं, वो जोश जोश में ज्वाइन कर लेंगे लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से सभी लोग मेहनत वो इस 40% में आए, मैं चाहता हूं कि आप जो 60% में आए, रेस में दौड़ें, मेहनत से दौड़ें, आप जरूर सफल हो जाएगा। कोई भी अलग से जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को लिख के चिपका लीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये रियली ऐसा चमत्कारिक चीज़ है ना, कि आपको यही सफलता दिलाएगा, मेंस में भी दिलाएगा, पीटी में भी दिलाएगा। मंजीत जी, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए देखिए, मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल था, मैं 9 घंटे की नौकरी करता था। इसमें आपका यही होगा, देखिए दिन में आपकी इसमें एक क्लास चलेगी शाम के समय, ठीक, और इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में अलग अलग समय है, वो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। आप एक बार क्लास रात में वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसको सुबह जब आप अपने ऑफिस में हैं तो आप दिमाग में रिवाइज करना शुरू कीजिए, ठीक। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो 1498 में आपको वास्को डिगामा आया था, रात को आपको क्लास हुई, अभी क्लास हुई, क्लास जब खत्म होता है तो उसके बाद भी आप एक बार माइंड में उसको रिकॉल कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो, जैसे क्लास खत्म होगा आपको पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा, पीपीटी से आप गो थ्रू हो जाइए। सुबह आपने ऑफिस में, जो आपका 9 घंटे का ऑफिस है, 9 घंटे के ऑफिस में आपके पास कोई किताब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप उसको दिमाग में रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, एक जोर डालिए दिमाग में, अरे उसके बाद क्या बताया था सर ने, उसके बाद क्या बताया था सर ने, उसके बाद क्या बताया था सर ने। जो दिमाग में आप जो जोर डालते हैं ना, तो वही हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाता है बात। ये मैंने भी किया था अपने साथ, मुझे किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि मेरी जो जॉब थी उसमें मुझे, मेरे साथ इतना कंस्ट्रेंट था कि मैं मोबाइल भी कैरी नहीं कर सकता था, कंप्यूटर का भी एक्सेस नहीं था, बुक का भी एक्सेस नहीं था। तो मैं क्या करता था, एक पेपर को ऐसे फोल्ड करता था, A4 शीट पेपर था, उसको ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है, फोल्ड करने के बाद उसको पॉकेट में रख लिया और उसमें रिकॉल कर करके लिखता था चीज़ें, छोटा सा लिख लिया उसको, नहीं तो पूरा लाइन लिखने की जरूरत है, वो जो पॉइंट है वो लिखते जाइए। और पूरे 9 घंटे में, रात का जो 1 घंटे का क्लास है, उसको पूरे 3 बार 4 बार रिकॉल कर लीजिए शुरू से लास्ट तक। जो चीज़ नहीं याद आ रहा है जोर डालिए और उसकी जगह ब्लैंक लिख लीजिए कि ये चीज़ मुझे नहीं याद आ रहा है। अब घर आके जैसे ही आप उस चीज़ को देखिएगा ना, आपको वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ये मेरे साथ बहुत हुआ था, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको जो जर्नी में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आता है उससे कैसे बाहर निकले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वो एक क्यों आप इस तैयारी में आए हैं, जैसे मैं इस तैयारी में इसलिए आया था कि मुझे एक प्रूफ करना था अपने पेरेंट्स को, पापा मम्मी को, कि मैं एक क्या कहते हैं लूज़र नहीं हूँ लाइफ में। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि आपको लोग समझाना बहुत शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब उतने साल का अनसक्सेस हो गया, तो एक तो आदत है कि जब आप अनसक्सेसफुल होंगे तो लोग समझाएंगे बहुत आके कि ये कर लो तो वो कर लो। मुझे बोलते थे MBA कर लो तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो ये फलाना वो कोर्स कर लो, तो ये कोर्स कर लो, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ समझाना था। और दूसरा था कि मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया। और ओशो ने एक बार कहा था कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, जब आप आँखें, जब आप लास्ट सांसें लीजिएगा ना, तब लगेगा कि नहीं यार, इस जीवन खराब कर दिया हमने, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर इस जीवन में आए हैं तो कम से कम उतना तो करके जाएं कि लास्ट, जब नहीं होता है कि इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहनी चाहिए, तो उस कदर निभाइए अपने किरदार को कि जब आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें कि इसके दादाजी डिप्टी कलेक्टर थे, इसके दादाजी DM थे यहाँ के, इस तरह से कुछ करके जाइए। आए और चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, तो उतना साधारण बन के भी नहीं जीना है। और उससे बाहर आने के लिए मैंने बार बार लिख रहा हूँ कि ये अगला 9 महीना, आप सबकी उम्र अभी मुझे लगता है 24 प्लस ही होगी, कुछ 30 प्लस होंगे, इतना आपने जीवन जिया, 9 महीना आप मेहनत कर दीजिए, रगड़ के मेहनत कर दीजिए, हम आपसे मेहनत करवाने के लिए यहाँ तैयार हैं। और चाहिए कि आप में से जितने सीरियस हैं, जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको राह दिखा दें। आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी, क्योंकि ये क्या होता है कि मुझे यही अचीवमेंट लगता है
कि मेरा बताया हुआ मेरे बताए हुए रास्ते से किसी ने अपना पोटेंशियल जो आपके अंदर जो ड्रीम था वो आपने पा लिया। धनंजय जी बुक लिस्ट आप बस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। ये मेरा ड्रीम है कि मैं जितने लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ उसमें से ज़्यादा 100% लोग सेलेक्ट हों। जो लोग IAS बनते हैं जो लोग UPSC क्वालिफाई करते हैं वो किसी मार्स या वीनस से नहीं आते हैं, वो भी इसी अर्थ में हैं, वो भी किसी माँ बाप से ही जन्मे हैं। उन्होंने वो ड्रीम बनाया कि मुझे ये चीज़ पाना है। तो अगर आपका भी ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ पाना है तो आप श्योरली पा लेंगे। वो ड्रीम तो बनाइए कि मुझे ये चीज़ पाना है। आप पहले ही अपने आप को अंडरस्टिमेट क्यों कर देते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं पा सकता हूँ। वो निगेटिविटी की दीवार इतनी ज़्यादा हम सबको जकड़ कर रखे हुए हैं ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने 10 साल तक अपने आप को मान के कर लिया था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ और मैंने नहीं क्वालिफाई किया। लेकिन जिस दिन मैंने ठाना कि नहीं मुझे करना है, क्या करना है, सिर्फ पढ़ना तो है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं अभी, मैं देख रहा हूँ कि मैं जॉब में हूँ। जॉब करना बहुत टफ है, उससे बहुत आसान है ये पढ़ाई करना। मैंने दोनों करके देखा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ कभी, प्राइवेट जॉब में क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि जॉब जॉब ही होता है। लेकिन बहुत टफ है जॉब करना, उससे बहुत गुना आसान है पढ़ना। लेकिन हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम टफ वाला चीज़ ऑप्ट करेंगे। UPSC वाले भी हमारे और आपकी तरह ही हैं, उनके भी 10th में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 50% वाले भी UPSC क्वालिफाई करते हैं। आप कब जाग रहे हैं उस पर इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जागने के बाद फिर दोबारा नहीं सोना है। अगर आप आज डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे UPSC भी क्वालिफाई करना है तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं। पढ़ना ही तो है, और क्या करना है इसमें। पढ़ना को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्या आप लाइफ आसान है आगे? बहुत टफ है आगे, बहुत ज़्यादा टफ है लाइफ। तो पढ़ना ही तो है। तो एक बार हम लोग इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए UPSC तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है कि इसमें आपको मेहनत करना है, कोई शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा आपको कि ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए। अभी पूरी मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम से पहले आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताए जाएंगे, नोट्स कैसे बनाना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सक्सेसफुल होने के पीछे एक और कारण ये था कि जो जॉब था ना मुझे, वो डेली मुझे वो जॉब बड़ा डराता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने मेहनत नहीं किया ना, घर में जाके रात में नहीं पढ़ा, तो मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसी ही बितानी पड़ेगी। और वो चीज़ जो थी ना, वो सब एनर्जी लाती थी। अगर आप जिस जीवन में हैं अभी, आप वर्तमान में हैं, अगर वहाँ बहुत खुश हैं आप तो अच्छी बात है। अगर नहीं खुश हैं तो आप सोचिए क्या वैसे ही आप जी सकते हैं, या निकलने का रास्ता ढूंढिएगा। निकलने का रास्ता यही है, ये जो अगला 9 महीना है ना, ये निकलने का रास्ता है आपका यहाँ से। ये अगला 9 मंथ ये आपका निकलने का रास्ता है। इसमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं कीजिएगा तो जिस तरह से आप जी रहे हैं वैसे ही आपको पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, हो सकता है कंडीशन और ख़राब हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं रहमान जी, तो सिर्फ 3 काम कीजिए, खाइए, पढ़िए और सोइए। जब नींद आए तो सो जाइए, ऐसा नहीं कि सुबह उठ के पढ़ना है। जब भूख लगे तो खाइए और बाकी समय में पढ़िए। 3 काम करना है सर मुझे। जब भूख लगे तो खाइए, ही नहीं कि वो है स्लीप, जब नींद आए तो सो जाइए, और इन दोनों से जितना समय बचे स्टडी। 3रा काम नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं कि नींद आ रही है जबरदस्ती आंखें पानी झोंके पड़ रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा, 0 आउटपुट, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सो जाइए, चादर तान के सो जाइए। जब भूख लगे खा लीजिए, ये नहीं कि 1 घंटा बाद खाऊंगा, दिमाग में खाना घूम रहा है। तो जब भूख लगे तो खा लीजिए और जितना समय बचे उसमें पढ़ाई कीजिए। कहा था आपको कि आज के बाद आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि मैंने ये क्लास इसलिए मिस कर दिया। आप जितना एक्सक्यूज़ देंगे आप उतनी सफलता से दूर जाते जाएंगे। अगर आपने कमिटमेंट आया, जितने दोस्त की शादी में नहीं गया आज के डेट में, सबसे उस समय रिलेशन ख़राब हो गया था कि बहुत ये है, इस उम्र में तैयारी करने चल दिया, कोई होना होता तो पहले ही नहीं हो जाता, पुत के पाँव पलने में ही दिख जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन से आप जागे हैं, जिस दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, उस दिन से आपके पुत के पाँव पलने में ऐसा नहीं होता है। तो सारा जो आप पे फेलियर का मोहर है वो सब चेंज हो जाता है, और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद जीवन बदलता है। मैंने देखा है, एक शायद यही एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जिसमें आप रातों रात जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन के बाद से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी ये हॉबी है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना पोटेंशियल को समझें और आप भी उस ड्रीम को प्राप्त करें जो कि मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उतने दिन का। अगर मैंने उस दिन एग्ज़ाम देने नहीं आता तो शायद अभी मैं उस भीड़ का हिस्सा रहता, लेकिन थोड़ा सा उस भीड़ से बाहर आया हूँ। बस उसी लिए आया हूँ कि मैंने मेहनत किया। तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को आप भी ये करें। हमने कमिटमेंट कर लिया है, 2-3 चीज़ और कीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि
डेली अपना सोने से पहले अपना ड्रीम लिखिएगा, एक डायरी बनाइए उस पर डेली अपना ड्रीम लिखिए, उसमें लिखिएगा प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, जो लोग हिंदी में हैं वो लिखिएगा कि थैंक्स भगवान मुझे SDM बनाने के लिए, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखिएगा थैंक्स जिस भगवान को भी जानते हैं मानते हैं वो, जिस भगवान को भी मानते हैं, जैसे थैंक्स बजरंग बली या फिर थैंक्स जो भी है दुर्गा माँ मुझे, ठीक है, आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर बस बजरंग बली लिख देता हूँ, क्या शनिवार का थैंक्स बजरंग बली, या जो भी आप मुस्लिम है तो अपने अल्लाह का लिखिएगा थैंक्स बजरंग बली, ठीक है, फॉर माई सिलेक्शन एज SDM, या जो भी प्रेजेंट टेंस में कि मैं SDM बन गया हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। इस ड्रीम को आप 5 बार लिख के सोइएगा, बहुत होता है इससे, बहुत मैजिकल होता है, ठीक है, थोड़ा फालतू टाइप का लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है, ठीक है। इस तरह का कुछ भी चीज़ आप लिख के रखेंगे। दूसरा चीज़, दीवार पे, बाथरूम की दीवार पे, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ की दीवार पे अपना जो ड्रीम है SDM बनना है, DM बनना है, वो लिख के चिपकाइएगा, ठीक है। SDM BPSC रैंक 1, जो भी आपका नाम है, राहुल सिन्हा, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ, ठीक। ये चीज़ें क्या करती हैं ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है कि मुझे ये चीज़ करना है, आपको हमें